पूरा पहाड़ काट के पूरा एक गुफा बनाया गया और यहाँ पर निवास है देवी मैया का। आप देख सकते हैं यहाँ, अरे बाप रे बाप। बोलिए चित्रकूट धाम की। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका रेडगो ट्रिप चैनल में। गाइस, मैं चित्रकूट में गुप्त गोदावरी आया हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये पूरा पहाड़ के अंदर चीर के एक पूरा गुफा बना हुआ है और बिल्कुल ये अंधेरा है, लाइट वाइट सिर्फ जल रहा उसी वजह चीजें हैं। और यहाँ पर मंदिर है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो गाइस, अगर पूरी वीडियो आपको देखना है तो लगातार चैनल पे बने रहिए और साथ ही चैनल को अगर सबने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, हम यहाँ पर आए हैं चित्रकूट में गुप्त गोदावरी आपको दिखाने के लिए। ये सारा चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सब गुफा ही गुफा सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे सब चीजें हैं, ये देख लिया गाइस। तो चलिए हम पूरे यात्रा को शुरू करते हैं। एक हमारी वीडियो है नासिक की, नासिक में भी गुप्त गोदावरी है। तो जो नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत से गुप्त गोदावरी निकली है, वही गुप्त गोदावरी यहाँ चित्रकूट में आई है, आपको वही दिखाने जा रहे हैं। तो गाइस, लगातार वीडियो में आप बने रहिए, चल के हम आपको पूरी वीडियो गुप्त गोदावरी का दिखाते हैं। ठीक है, गोदावरी का देख सकते हैं जो टिकट है, टिकट बुकिंग कार्यालय है, जिसमें 20 रुपए का टिकट लगता है और 3 वर्ष से 12 वर्ष के लिए 10 रुपए का टिकट लगता है। तो ये रास्ता है गाइस, और चल के हम आपको दिखाते हैं गुप्त गोदावरी का क्या है पूरा इसका अंदर का सीन। तो गाइस, हम अंदर आए हैं यहाँ पर टिकट लेने के लिए। देख सकते हैं ये पवित्र नगरी चित्रकूट में, ये 20 रुपए का हमने टिकट ले लिया है। अब हम लोग क्या चल रहे हैं अपनी यात्रा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमारी एंट्री अंदर हो चुकी है, पूरा कार्यालय प्रभारी अधिकारी है यहाँ पे। और ये जब ज्यादा भीड़ होता है तो इसमें एंट्री इस तरीके से होती है, जो ये देख रहे हैं इसमें इस तरीके से होती है एंट्री। तो अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं यहाँ पे। बोलिए चित्रकूट धाम की। चित्रकूट में रानी रहे रावी जी को मालूम चला कि भगवान श्री राम माता जी सीता जी के साथ चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं और दूर दूर से देवी देवता और भगवान श्री राम जी ने कहा जैसे आपकी इच्छा भैया मोबाइल बंद करवा के चलो बंद कर। ये जी देखना है कि हम गुफा में आ चुके हैं मेरे दोस्तों, और ये देख सकते हैं गोदावरी जी का गुफा है यहाँ पे। ये देखो, अरे बाप रे बाप। मतलब दोस्तों, मैं बड़ा आश्चर्य हूँ कि आप सोच सकते हैं कि ये घुसने के लिए बहुत ही सकरा और अंदर ये पूरा पहाड़ काट के पूरा एक गुफा बनाया गया और यहाँ पर निवास है देवी मैया का। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कितना एक खतरनाक बड़ा ये चीजें हैं। यहाँ आने के लिए भी एक रास्ता और जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता, जो पीछे देख सकते हैं छोटा सा गुफा दिख रहा है, तो वहीं से आने का रास्ता और वहीं से जाने का ही रास्ता है पूरा सीधे। तो ये सारा चीजें है यहाँ पे, गुप्त गोदावरी है चित्रकूट में। और बहुत पसीना हो रहा है, एकदम लोग थक चुके हैं जो है। यहाँ तक आने में काफी सारा भीड़ था जो है, वो पूरा देखने बनी रही है लगातार। दोस्तों ये देखिए गुफा है, जो नासिक से निकल कर जो गोदावरी मैया यहाँ पर आई है चित्रकूट में, आप देख सकते हैं। राम
दोस्तों देख सकते हैं। खतरनाक है, ये देख सकते हैं सती अनसुईया माता। ये मैं पूरा अंदर गुफा दिखा रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा गुफा है, अंदर अंदर पूरा पहाड़ के नीचे है गाइस। ये तो हमें पता नहीं, ये पत्थर देख सकते हैं कैसा पत्थर है, कुछ डरावना बना भी है यहाँ पे, और ये पूरी लाइट के सहारे सब चीजें यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे। गुप्त गोदावरी गाइस यही देख सकते हैं, पानी यहाँ से निकलता है, इसी को ही गुप्त गोदावरी बोल रहे हैं यहाँ से, और यही कुंड गुप्त गोदावरी का उद्गम धनुष कुंड आगे है। तो और भी हमें अभी आगे की यात्रा भी करनी है यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ पे बेलपत्र, दूसरी गुफा में, अरे बाप रे, अंदर हम दूसरी गुफा में चल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे लाइट जला हुआ है, हम लोग दूसरी गुफा में चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस, एकदम बिल्कुल चिकना पत्थर यहाँ पे देखिए। तो गाइस इस गुफा की यात्रा आपको कैसा लगा, यहाँ पे काफी सारा चीज अंदर सब प्रकृति का बना हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही रेडगो ट्रिप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि गाइस हम इसी तरीके से इस चैनल पे एक से एक वीडियो लेकर आते हैं, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस नमस्कार। और गाइस चित्रकूट का हमारा पूरा वीडियो आप देखिए, कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिए गाइस, इवन सभी वीडियो हम आपको एक से एक लेकर यात्रा कराते हैं।